हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका एक्टिविटी बेस्ड है, तो यानी कि इसमें जो डेटा लिया गया है वो जो एक्टिविटी आप करेंगे तो आपका डेटा डिफरेंट भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप खुद अपने डेटा से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैं सिर्फ आपको व्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए, नोट द फ्रिक्वेंसी ऑफ टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवेल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। यानी एग्जाम्पल के लिए क्या मैं बोल देती, जैसे मेरी बात चल रही है, जैसे मैं स्कूल के बाहर जो है गेट जो होता है हमारा फ्रंट गेट होता है, वहाँ से कुछ टाइम इंटरवेल हमने ले लिया, सपोज करो रिसेस ले ली, ठीक है, तो वहाँ से कुछ व्हीकल्स क्या मूव कर रहे हैं यानी कि जा रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कौन से व्हीकल की, वो हम बाद में देखते हैं। पहले आ जाता है पॉइंट कि कौन कौन से व्हीलर्स हैं, जो पहले टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स वहाँ से पास हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इज अ टू व्हीलर। यानी कि जो टू व्हीलर्स है ना, कितने टू व्हीलर्स वहाँ से पास आउट हुए, तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, तो टू व्हीलर्स तो हैं वो 10 गए वहाँ से, थ्री व्हीलर्स 7 और जो फोर व्हीलर्स हैं वो 8 गए, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, टू व्हीलर्स के लिए, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं व्हीलर्स, व्हीकल्स कितने हैं वहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 10 तो हैं, टू व्हीलर्स 7 हैं, थ्री व्हीलर्स एंड 8 हैं फोर व्हीलर्स, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 कैरीज 1, 1 + 1 = 2, यानी कि टोटल व्हीलर्स कितने हैं वहाँ पे 25, यानी टोटल 25 व्हीकल्स वहाँ से मूव किए जो मैंने रिसेस पीरियड के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टू व्हीलर्स की, तो फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि टू व्हीलर्स के कितने हैं व्हीकल्स, सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें फॉर टू व्हीलर्स, ठीक है। तो वो किसके इक्वल टू होगा, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स जितने पास हुए, ठीक है, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो मूव किए वहाँ से पास आउट हुए, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा, जो टू व्हीलर्स भी हो सकते हैं, थ्री व्हीलर्स भी हो सकते हैं और फोर व्हीलर्स, सभी टोटल आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ टू व्हीलर्स यहाँ पे देखिए कितने हैं, 10 हैं, तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ कितने हैं व्हीकल्स, 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। सो देखिए इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, तो यानी कि पी ऑफ टू व्हीलर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर कितनी आ जाएगी आपके पास, 2/5, क्लियर। सो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 15.1, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।